वेलकम टू माय चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस। मैं रजनीश शर्मा आज आप लोगों को ऑपरेशन रिसर्च में ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पढ़ाने वाला हूं। ट्रांसपोर्टेशन शब्द दिमाग में आते से ही क्या आता है कि कोई गुड्स हैं जो आपको क्या करनी है, ट्रांसफर करनी है। अगर गुड्स ट्रांसफर करनी है तो जो मेन एलिमेंट है वो है कॉस्ट। अगर आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला टाइम मिनिमाइज हो जाए या ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला डिस्टेंस मिनिमाइज हो जाए। तो या तो आप कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं या आप टाइम को मिनिमाइज करना चाहते हैं या आप डिस्टेंस को मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला टाइम मिनिमाइज हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला डिस्टेंस मिनिमाइज हो जाए। तो ऑपरेशन रिसर्च में ये मॉडल आपको पढ़ाया इसलिए जाता है कि व्हाटसोएवर कॉस्ट, टाइम और डिस्टेंस जो भी आप इन्वॉल्व हो रहा है आपके ट्रांसपोर्टेशन में, वो बेस्ट मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है वो हमें पता करना है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के कोई भी अगर आप क्वेश्चन लेंगे तो उसमें तीन एलिमेंट्स होते हैं, है ना। ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी क्वेश्चन ले लें आप, उसमें तीन क्वेश्चन होते हैं, तीन पार्ट में होता है। सबसे पहला होता है लेट इट बी फैक्ट्री। मान लेते हैं हमारी तीन फैक्ट्रीज हैं F1, F2 एंड F3, तो आप इनको बोल सकते हैं ये सोर्स है हमारा, जहां से क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। अभी मैं आपको समझाने के लिए सप्लाई भी लिख देता हूं कि ये सप्लाई, तो इसके बिना क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहले आपको क्या दिया होगा, सोर्स, जहां पे गुड्स जनरेट हो रही हैं या ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, बिजली आप तक आ रही है, पानी आप तक आ रहा है, आपका हार्ट पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ईच एंड एवरीथिंग इज ट्रांसपोर्टेशन। डेटा जो आप तक मोबाइल डेटा या नेटवर्क डेटा जब आप तक पहुंच रहा है वो भी ट्रांसपोर्टेशन है। तो उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना, उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन ये अभी बेसिक मॉडल है, तो मैं आपको बताऊं कि तीन फैक्ट्रीज हैं, लेट इट बी 30 भी हो सकती हैं, पर अभी हम एक मॉडल बना रहे हैं। तो क्या बना रहे हैं, F1, F2 और F3, और लेट इट बी मान लेते हैं कि पहली फैक्ट्री का जो सप्लाई है वो क्या है, 80 यूनिट्स हैं, दूसरी फैक्ट्री का जो सप्लाई है लेट इट बी 120 यूनिट्स, और तीसरी फैक्ट्री का जो सप्लाई है वो 100 यूनिट्स, मतलब जो हमारे पास सप्लाई है वो टोटल है 300 यूनिट्स। तो 300 यूनिट का हमारे पास सप्लाई है और हमारे पास चार गोडाउन है, दैट इज गोडाउन 1, गोडाउन 2, गोडाउन 3 और गोडाउन 4, और इस चार गोडाउन की कैपेसिटी भी फिक्स है। ऑब्वियस बात है, अलग अलग गोडाउन अलग अलग शहरों में अगर बने हुए हैं तो उनके डिमांड के हिसाब से गोडाउन की साइज कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना। तो पहले गोडाउन की जो कैपेसिटी है ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, है ना, ये दे रखी होती है। तो पहले गोडाउन की मान लेते हैं जो कैपेसिटी है वो है 50 यूनिट, दूसरे गोडाउन की बात करें तो वो है लेट इट बी 60 यूनिट, तीसरे गोडाउन की अगर हम बात करें तो वो मान लेते हैं हम 100 यूनिट्स, और चौथे गोडाउन की अगर हम बात करें तो 90 यूनिट्स। तो ये चार गोडाउन है और इनकी अगर आप टोटल देखें तो 50 + 60 = 110 + 90 = 200 + 300। तो सबसे पहला और जरूरी सबक तो आप दिमाग में रख लें कि ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी सवाल है तो अगर मैं इसको सप्लाई कह रहा हूं और इसको मैं अगर डिमांड कह दूं तो डिमांड और सप्लाई इक्वल होना ही चाहिए। अब मन में जैसे ही मैंने बोला इक्वल ही होना चाहिए तो दिमाग में क्या आया, नहीं हुआ तो, अब नहीं हुआ तो ये अनबैलेंस की प्रॉब्लम होता है जो हम आगे वाले वीडियोज में देखेंगे, है ना। तो अभी तो आप शुरुआत में पहला सवाल है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी सवाल जो आप हाथ लगाएं उसमें डिमांड और सप्लाई इक्वल होनी ही चाहिए। अगर नहीं होती है तो वो हम इक्वल करते हैं, उसको अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स बोलते हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी की बात करें तो ये तीन फैक्ट्रीज हैं और ये चार गोडाउन हैं, और पहली फैक्ट्री से पहले गोडाउन पर एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करने के ₹8 लगते हैं, पहली फैक्ट्री से दूसरे गोडाउन पर ट्रांसपोर्ट करने के ₹12 लगते हैं। ऑब्वियस बात है, फैक्ट्री से गोडाउन का डिस्टेंस अलग अलग होगा तो कॉस्ट भी क्या लगेगी, अलग अलग लगेगी, या टाइम भी अलग अलग लगेगा या डिस्टेंस भी अलग अलग होगा। तो यहां पर यह मैट्रिक्स भी आपको दे रखा होता है, और पहली फैक्ट्री से तीसरे गोडाउन पर जाने के 9 मिनट या ₹9 या 9 किलोमीटर,
पहली फैक्ट्री से चौथे गोडाउन पर पाइप। तो ये क्या क्या दे रखा है आपको, फैक्ट्रीज का आउटपुट दैट इज द सप्लाई, गोडाउन की कैपेसिटी दैट इज द डिमांड, और कॉस्ट मैट्रिक्स, पहली फैक्ट्री से पहले गोडाउन पर जाने के एक यूनिट भेजने के ₹8 कॉस्ट लगेगी, पहली फैक्ट्री से दूसरे। तो ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी क्वेश्चन है, ये तीन एलिमेंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कौन से, सप्लाई, डिमांड और कॉस्ट मैट्रिक्स। अब वो चाहे तो उसको कॉस्ट मैट्रिक्स बोले, चाहे तो उसको डिस्टेंस मैट्रिक्स बोलिए या टाइम मैट्रिक्स बोलिए, जो भी है हम इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। यहां की बात करें तो 1, 7, 11, 12, 3, 4, 5, 9। तो ये क्या दिया है, दूसरी फैक्ट्री से पहले गोडाउन पर एक यूनिट भेजने के कॉस्ट ₹1 लगे, दूसरी फैक्ट्री से दूसरे गोडाउन पर एक यूनिट भेजने के ₹7 लगेंगे, दूसरी फैक्ट्री से तीसरे गोडाउन पे ₹11, दूसरी फैक्ट्री से चौथे गोडाउन पर ₹12। इसी तरीके से तीसरी फैक्ट्री से पहला गोडाउन, तीसरी फैक्ट्री से दूसरा गोडाउन, तीसरा गोडाउन, चौथा गोडाउन। मतलब क्वेश्चन में आपको ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, आपको तीन इंफॉर्मेशन मिलेगी मिलेगी। सबसे पहले मिलेगा कॉस्ट मैट्रिक्स, अभी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में है रो और कॉलम के, सप्लाई आपको देके रखी होगी, डिमांड आपको दे रखी होगी। ठीक है, अब रही बात इस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व कैसे करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करने का जो पुराना एक तरीका जहां से ओरिजिनेट हुआ है वो तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होता है और उसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो बातें आती हैं वो आता है कि आपको सबसे पहले दो स्टेप में सवाल होता है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी क्वेश्चन आया तो वो दो स्टेप्स में होता है। पहली स्टेप में तीन मेथड है, लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, और तीसरा है वोगेल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, तो एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर दिया है कि सॉल्व बाय लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, नो क्वेश्चन अराइजेस, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, नो क्वेश्चन अराइजेस। इफ नो इंस्ट्रक्शन इज गिवन, ऑलवेज यूज वोगेल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। तो अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है क्वेश्चन में तो हमेशा, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी क्वेश्चन है वो आपको करना ही दो स्टेप में है, तो पहली स्टेप में इन तीन में से कोई एक मेथड लगानी, और स्टेप टू में इन दो में से कोई एक मेथड लगानी। तो स्टेप वन में तीन मेथड्स हैं, पहली है लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और मेथड, तीसरा है वोगेल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड को LCM बोलते हैं, और इसका एक और नाम है दैट इज मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। तो एक और क्या नाम है इसका, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, ये मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का एक ही नाम है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। वोगेल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड का एक और नाम है दैट इज यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड। एक नाम और है दैट इज द यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड। तो सबसे पहला काम है इन तीनों में से एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चंस, वो उन्होंने जो डिमांड किए वो आपको अप्लाई करने। इफ नो इंस्ट्रक्शन इज देयर, ऑलवेज यूज वोगेल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड इन स्टेप वन। तो ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी सवाल है वो आपको दो स्टेप में ही होता है। पहली स्टेप में जो आप करते हैं इसको बोला जाता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, IBFS। तो पहला स्टेप होता है IBFS फाइंड आउट करना। IBFS में तीन मेथड्स हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं, और नो इंस्ट्रक्शन इज गिवन, हमेशा वोगेल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड इस्तेमाल करनी है। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, अगर आप मोबाइल खरीदने जाएंगे तो कौन सा मोबाइल खरीदेंगे, जो सबसे आखिरी में आया। द बेस्ट मेथड इज वोगेल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड, क्योंकि ये पहले ही क्या करता है, बेस्ट रिजल्ट दे देता है इन कंपेयर टू लीस्ट कॉस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ऑल्दो उनका भी अपना इंपॉर्टेंस है, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है और कहां पर क्या एप्लीकेबल होगा। स्टेप टू, तो स्टेप टू में दो मेथड है, स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन का जो एब्रीवेशन है दैट इज
मोदी है ना, जो आपको बताइए हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी धूम मचा रहे हैं, वैसे यह मेथड भी बड़ी धूम मचाती है, लेकिन इट्स नॉट मोदी, इट्स अ मोदी, मोडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो मोडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तो मोडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को मॉडिफाई किया होगा, तो वो कौन सी चीज है जिसको मॉडिफाई किया है, दैट इज द स्टेपिंग स्टोन मेथड। तो स्टेपिंग स्टोन मेथड को मॉडिफाई करके डायरेक्ट कर दिया है, या यूं कहें लीनियर प्रोग्रामिंग की जो एल्गोरिदम है उसको डायरेक्ट इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। तो हमेशा स्टेप वन में आपको क्या करना है, कुछ ना कहा जाए तो वुगल्स लगाना है, और स्टेप टू में अगर कुछ ना कहा जाए तो हमेशा सेकेंड स्टेप मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाना। तो स्टेप टू और करना ही है, उन्होंने बोला है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इसका मतलब स्टेप वन में ट्रांसपोर्टेशन लगाना है, आईबीएफएस के लिए वुगल्स लगाना है, और स्टेप टू में आपको क्या करना है, ये करना ही है, दैट इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए क्या लगाते हैं, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपको सबसे पहले तीन एलिमेंट दिए होंगे, फैक्ट्रीज दैट इज द सोर्स, सोर्स पे क्या सप्लाई है, ठीक है, और ये क्या है डेस्टिनेशन, जहां पर आपको उन्हें भेजना है, गोडाउन जिसको हम कह रहे हैं, ये गोडाउन की कैपेसिटी है, डिमांड है, और ये उसका कॉस्ट मैट्रिक्स है, पहली फैक्ट्री से पहला गोडाउन, पहली फैक्ट्री से दूसरा गोडाउन, पहली फैक्ट्री से तीसरा गोडाउन, पहली फैक्ट्री से चौथा गोडाउन। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरे सर मैंने पूरा ऑपरेशन रिसर्च पढ़ लिया, बताइए कैसे पता लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे अलग दिखता है, इसमें आपको फैक्ट्रीज की सप्लाई भी दे रखी होती है, गोडाउन की डिमांड भी दे रखी होती है, और कॉस्ट मैट्रिक्स भी दे रखा होता है, देखें। तो ये फ्रेम है, फिक्स फ्रेम है, तो उसमें कोई वेरिएशंस नहीं आते हैं, थोड़े बहुत वेरिएशंस एडवांस मॉडल्स में आएंगे, वो हम जब देखेंगे तब आप तब तक बड़े एक्वेंटिक हो चुके होंगे इस मॉडल से, तो आसानी से उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन, इसी फ्रेम पे आता है। दूसरे नंबर पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इन तीन में से कोई एक मेथड और इन दो में से कोई एक मेथड। जो पहली स्टेप होती है इसका नाम होता है IBFS, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इफ नो इंस्ट्रक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन, ऑलवेज यूज वुगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। वुगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का एक और नाम क्या है, यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड। और इसी तरीके से स्टेप टू भी लगानी ही लगानी है। तो स्टेप टू में कौन सी मेथड है, स्टेपिंग स्टोन मेथड और मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। कुछ ना हो तो हमेशा कौन सी लगाइए, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मतलब ट्रांसपोर्टेशन किसी क्वेश्चन में आया, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इसका मतलब आपको सबसे पहले वुगल्स लगानी है और फिर क्या लगानी है, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब मैं आपके लिए ये करता हूं कि एक एक वीडियो में एक एक मेथड समझाता हूं। तो मैं आज आपको इस वाले वीडियो में लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड समझा देता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसकी बात करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल की, तो वन बाय वन करेंगे, तब फिर आगे जाके हम पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो फिर उसमें हम वैम लगाएंगे और मोडी लगाएंगे, ठीक है। और ये आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि एग्जाम में अगर इंस्ट्रक्शन इज देयर कि लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड का यूज करिए, या दूसरा एक और नाम है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, तो वो आप कैसे करेंगे। तो लेट्स टेक अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू हम ये सारी बातों को क्लियर करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, तो यहां पर आपको तीन फैक्ट्रीज दे रखी हैं, F1, F2 और F3, और यहां पर उनकी क्या दे रखी है, सप्लाई दे रखी है, दैट इज 70, 50, 80, और चार गोडाउन है G1, G2, G3, G4, और ये उनकी कैपेसिटी है 30, 60, 70 और 40। हमने बोला था सबसे पहला काम ट्रांसपोर्टेशन का, कोई भी क्वेश्चन हाथ लगाने से पहले आपका काम है किसकी टोटल को जरूर से चेक करें। तो 70, 50, 120 प्लस 80 दैट इज 200, 30, 60, 60, 40, 90 और 60, 40, 100, 70, 30, 100 दैट इज 200। ये इक्वल होना ही चाहिए, और अगर ये इक्वल नहीं होता है तो ये अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स कहलाता है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करें तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अभी हम सबसे पहली मेथड जो है दैट इज नोन एज लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। क्या नाम है मेथड का, लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। अब लीस्ट कॉस्ट एंट्री, देखो नाम से ही क्लियर है यार, लीस्ट कॉस्ट जो सबसे कम कॉस्ट है वहां से एंट्री का लेना है,
एक और नाम है इसका, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। तो मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, जो मैट्रिक्स में सबसे कम है वहां से स्टार्ट करिए। तो लॉजिकली अगर हम इसकी बात करें तो 5 रुपए, 7 रुपए, 13, 10, 8, 6, 14, 13, 12, 10 और 9, 11, इन सब में सबसे छोटी कॉस्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लेना। तो सबसे छोटी कॉस्ट की अगर आप बात करें तो सबसे छोटी कॉस्ट क्या आ रही है, 5, ये आ गई। मतलब क्या हुआ, पहली फैक्ट्री से पहले गोडाउन पर सबसे कम कॉस्ट लग रही है और सबसे पहले यहां से ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए। अब दूसरी बात, कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट करें, तो कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट करें तो पहली फैक्ट्री का आउटपुट देखिए कितना है, 70 यूनिट। और पहले गोडाउन की बात करें तो पहले गोडाउन की कैपेसिटी क्या है, 30 यूनिट। तो 70 और 30, विच एवर इज लेस, लॉजिक भी क्लियर है दोस्त। पहली फैक्ट्री में 70 यूनिट है, यहां की कैपेसिटी 30 है, इससे ज्यादा भेज दोगे तो रखोगे कैसे, लॉजिक क्लियर है ना भाई। सिंपल सी बात है, मेरे मोबाइल की अगर बात करें तो मेरे मोबाइल में 1 रुपए का बैलेंस है, मैं कितनी देर आपसे बात कर सकता हूं। तो आपने कहा सर 1 रुपए, मैंने कहा मेरा मोबाइल जो है उसमें 1000 रुपए का बैलेंस है लेकिन बैटरी 1.5 मिनट की बची है, कितनी देर बात कर सकता हूं। तो आप कहेंगे बैलेंस और बैटरी विच एवर इज लेस, जो कम होगा वो डिसाइड करेगा। और यहां की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा स्केयर सबसे कम है वही तो क्या डिसाइड करता है, पूरा प्रोडक्शन डिसाइड करेगा। दुनिया में जो सबसे कम है वही डिसाइड करेगा। हम 6 लोग अभी पिकनिक के लिए निकले और हमने बोला यार सब इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, मैंने कहा यार भाई मेरे पास तो 300 रुपए ही है, तो बाकी सब के पास ज्यादा भी हो तो भी इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन कितने रुपए का होगा, 300 रुपए। द मिनिमम विल डिसाइड, लॉजिक सिंपल है। और देखिए अगर आप इसको मैथमेटिक्स की तरह लेंगे ना तो कभी नहीं सीख पाएंगे। आप इसको एज ए मैनेजर लीजिए, एज ए ट्रांसपोर्टेशन लीजिए, तो जरूर से आप इसे सीख जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इतनी मैथमेटिकल पेचीदगियां हैं, जब तक आप वो फील नहीं लाएंगे कि यू आर अ मैनेजर एंड यू आर लर्निंग अ मॉडल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तब जाके ये कहानी आसान हो जाएगी, ठीक है। देखिए पहली फैक्ट्री से पहले गोडाउन पर सबसे कम कॉस्ट है, दैट इज द लीस्ट कॉस्ट पूरे मैट्रिक्स में, और 70 हमारे पास सप्लाई है, डिमांड 30 की है। तो यहां पर मैं यहां 30 लिख देता हूं। यहां 30 लिखने का मतलब क्या हुआ कि हमने ये 30 यूनिट्स यहां पर ट्रांसपोर्ट कर दी, पहली फैक्ट्री से पहले गोडाउन पर 30 यूनिट आपने भेज दी, तो पहले गोडाउन की कैपेसिटी 0 हो गई क्योंकि अब गोडाउन में और रखने की जगह ही नहीं है, 30 यूनिट भेज दी। 70 यूनिट्स थी तो उसको कट करके मैं यहां पर 40 लिख रहा हूं, 30 यूनिट भेज दी तो मेरे पास 40 यूनिट बची, सिंपल। वरना मुझे बोलना पड़ेगा डिमांड और सप्लाई विच एवर इज लेस, पर इट्स नॉट द केस ऑफ कि भाई हम उसे रट लेंगे। अब देखिए सेकंड देखें तो सेकंड सबसे छोटी कॉस्ट क्या है, तो आप खुद ही देख रहे हैं, आपने बोला सर सेक्स, वेरी गुड। दूसरी फैक्ट्री से दूसरा गोडाउन इज द बेस्ट एंट्री फॉर लीस्ट कॉस्ट, तो 6। अब सेकंड फैक्ट्री की अगर आउटपुट की बात करें तो फैक्ट्री में आउटपुट कितना है, 50 का, गोडाउन की कैपेसिटी कितनी है, 60 की, तो विच एवर इज लेस, 50। मुझे बहुत भूख लगी है और मैं समोसा खाने गया और मेरे पास 10,000 रुपए हैं लेकिन समोसे वाले के पास एक ही समोसा है, कितने समोसे खा सकता हूं, एक। उल्टा कर लेते हैं, उसके पास 100 समोसे हैं, मेरे पास केवल 20 ही रुपए हैं, कितने समोसे खा सकते हैं, एक। तो मनी और समोसा विच एवर इज लेस, तो लॉजिक क्लियर है यार। फैक्ट्री की सप्लाई 50 है, गोडाउन की कैपेसिटी 60 ही है, तो पूरा 50 भिजवा दो, तो इसका मतलब है ये कैपेसिटी क्या हो गई, यहां पर तो पूरी 50 भिजवा दी आपने सेकंड गोडाउन पे, और गोडाउन में 60 की कैपेसिटी थी, 50 आपने भिजवा दी, स्टिल 10 की रिक्वायरमेंट है वहां पर, कहीं और दूसरी फैक्ट्री से भिजवाइएगा। 6 के बाद देखिए 7, अब 7 पे हम भेज सकते हैं, तो 6 के बाद आप पूरे इसमें देखें तो क्या है, 7। अब देखो दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर अगर 2 जगह 7 होता तो 2 जगह 7 होता तो जो आपको पसंद है आप वहां से उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा कि उस 7 को पहले चूज करिए जहां से आप ज्यादा यूनिट क्या करें ट्रांसपोर्ट कर सकें। देखें आपने बोला वो भी इक्वल हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप फिर आपने कहा मेरे दोस्त ने दूसरे साथ पे दिया, मैंने इस साथ पे दिया और हम दोनों के आंसर डिफर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसीलिए तो स्टेप 2 है। स्टेप 2 सबको एक जगह ले जाएगा, ये उसी तरीके का है, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, अंत कहां है,
सबका अंत एक जैसा है, ठीक है ना। अब वो आप कहें कि मैं मरने के बाद वहां जाऊंगा या जाऊंगा, अंत सब एक जैसा, सारी नदियां कहीं भी जाएं अंत में कहां मिलेगी, सागर में मिलेगी। द सेम वे आप कुछ भी यूज कर लीजिए, फाइनल आंसर आपका क्या आना है, सेम आना है। अब बात कर रहे हैं यहां पर 50, 60, तो अब 7 के ऊपर हमने कितनी यूनिट देना है, तो यहां पर 10 की जगह यहां पर मेरे पास 40 यूनिट रखी है, तो मैंने यहां पर 10 यूनिट ट्रांसफर कर दी, तो ये गोडाउन की कैपेसिटी जीरो हो गई। अब यहां पर कितनी बचती है, 30। अब 7 के बाद देखें, तो 7 के बाद आपने कहा 8, लेकिन ये 8 मेरे कोई काम का नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं काम का है, क्योंकि यहां पर सप्लाई नहीं है। ये देखिए ना, ये 8 जीरो है तो इसका कोई सप्लाई नहीं, और है ही नहीं तो फिर आप ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे। इसके बाद देखिए, तो 8 के बाद 9, ये 9 के ऊपर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, कितनी यूनिट कर सकते हैं, तो 80 और 70 विच एवर इज लेस, तो कितनी यूनिट किया जा सकता है, 70। 70 माइनस 70 जीरो, 80 माइनस 70 10, क्योंकि आपने 70 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर दी, 10 यूनिट बची है और गोडाउन हो गया फुल। 9 के बाद देखिए 10, लेकिन 10 पे क्या हो रहा है, जीरो, तो 10 के बाद किस पे आएंगे आप, 11, एक और 10, इस 10 की बात करें, ये रहा 10। 30 और 40 विच एवर इज लेस, दैट इज 30, यहां पर कितनी यूनिट बची, 10, वो ये 30 था, ट्रांसपोर्ट हो गया। अब उसके बाद 10 के बाद क्या आ रहा है, 11, और दोनों तरफ क्या है, 10 यूनिट्स, तो 0 और 0। अब आप देखिए, तो यहां पर सारा हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया, पूरा गोडाउन फुल हो, और होना भी है क्योंकि हमने शुरुआत में इक्वल लेके चले थे, जितनी सप्लाई है उतनी हमारे पास डिमांड है, तो डिमांड और सप्लाई हमारी इक्वल। अब जो आया इनका मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करें, तो आपने 30 यूनिट भेजी और एक के कितने रुपए लगते हैं, तो 30 × 5 = 150, 10 × 7, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। 30 × 10, 50 × 6 = 70 × 9 + 10 × 11, तो 150 + 70 + 300 + 300 + 7 9 कितना होता है, 110। अब प्लस कर लेते हैं, 300, 600, 600, 1200, 1200, 1300, 1400, 1560, तो ये हमारे लगे 1560। तो टोटल अगर आप लीज कॉस्ट एंट्री मेथड से फैक्ट्री के आउटपुट को गोडाउन में शिफ्ट करें, तो 1560 रुपए क्या आनी है, कॉस्ट आनी, क्लियर है आपको, ठीक है। अब अगर हम बात करें, तो दोस्तों आप और इस तरीके की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो देखिए, एक तो ये मैंने बुक लिखी हुई है जो अमेजोन पे भी अवेलेबल है और किसी भी बुक सेलर पे भी मिल जाएंगी, और अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों के लिए ऐप भी बना दिया है, आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, आईफोन के लिए भी है, लैपटॉप में भी आप इसे रन कर सकते हैं। बेसिकली ये हम क्यों बनाया है, ये आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम को क्या करता है, टारगेट करता है, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम आपकी एग्जाम के लिए सारे वीडियो हमने क्या करे हैं, एक ऑर्गेनाइज मैनर में वहां पर लगा दिए हैं, और प्रैक्टिस सेशंस भी आपको दे दिए हैं। तो जरूर से आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और यूट्यूब पे आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ऑपरेशन रिसर्च के जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आप बहुत सारे टॉपिक से आपका दोस्ती में करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आगे का ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पढ़ते हैं। जय हिंद।